आज हम INVT CHC 100 0.5 किलोवाट 230 वोल्ट सिंगल फेज ड्राइव के बारे में बेसिक पैरामीटर देखेंगे। तो सबसे पहले कीपैड के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोग्राम का है, ये प्रोग्राम क्विक जॉग वाला शॉर्टकट के लिए है, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने के लिए, डेटा एंट्री के लिए और शिफ्ट के लिए, शिफ्ट वाला ये शिफ्ट के लिए, और ये रन कमांड के लिए, ये स्टॉप और रिसेट के लिए, और ये फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे का एक्सटर्नल है। बेसिक पैरामीटर के लिए सबसे पहले ये प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम की को इंटर करेंगे P0 में इंटर करेंगे तो P00 के अंदर फिर से इंटर करेंगे तो 0, ये सेंसर रेस के लिए है, और एक है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए है, दो नंबर टॉर्क कंट्रोल के लिए, तो अपने को एक नंबर करना है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। एक नंबर एंटर किया, ये सेव हो गया। अब P001 ये रन कमांड के लिए है, P001 इसको एंटर करेंगे तो रन कमांड कीपैड से देना है या एक्सटर्नल टर्मिनल से देना है या कम्युनिकेशन से देना है, तो अपने को 0 कीपैड के लिए है, एक टर्मिनल के लिए, दो नंबर कम्युनिकेशन के लिए, तो अपने को 0 रखना है क्योंकि अपन यहाँ से ही इसको ऑपरेट करेंगे। तो इसको एंटर किया, ये सेव हुआ। अगला प्रोग्राम पैरामीटर इसका 0P002 P002 फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स के लिए, P002 फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स के लिए है, तो एंटर करेंगे 0 कीपैड के लिए और एक एक्सटर्नल सोर्स से, तो अपन इसमें 0 रखेंगे। वापस फिर से इंटर मारेंगे, सेव हुआ। 3 को नहीं, 4 नंबर देखेंगे, P004 देखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है, तो इसको यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। P005 अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट है, तो इसको भी अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं ऊपर नीचे से, पर अपन ने 50 ही रखी है। इंटर किया, P006 लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट है, अगर कीपैड से यहाँ पे अपन ने 20 करके रखा है और कीपैड से कम करेंगे 20 से, तो 20 से कम नहीं होगी। P008 ये एक्सप्रेशन टाइम है, इनपुट वोल्टेज P007 P008 एक्सरे टाइम 10 सेकंड कर रखा है, इससे कम ज्यादा कर सकते हैं। P009 डी एक्सरेशन टाइम, इसको भी अपन 10 सेकंड से कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे वाला रनिंग डायरेक्शन P010 में इंटर किया, रिवर्स जो फॉरवर्ड 0, एक रिवर्स, दो नंबर फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, तो अपन 0 रखेंगे।